नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फोर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। जमीन की अफरा तफरी मामले में पुलिस की कार्रवाई से नाराज राजस्व निरीक्षक व पटवारी संघ ने किया सांकेतिक धरना प्रदर्शन। कोरबा के पावर हाउस रोड पर जमीन की अफरा तफरी के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने जांच के बाद राजस्व विभाग के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। इसके खिलाफ छत्तीसगढ़ राजस्व निरीक्षक और राजस्व पटवारी ने आईटीआई चौक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। संघ का कहना है कि पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश अनुसार सरकारी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने के निर्देश हैं, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। मामले में एसडीएम ने जांच में क्लीन चिट दिया है। दरअसल दीपका निवासी अरुणिमा सिंह ने पावर हाउस रोड पर अपनी जमीन की राजस्व विभाग द्वारा अफरा तफरी की शिकायत की थी। जमीन के कई नक्शे राजस्व विभाग से जारी होना पाया गया, इसमें अलग अलग स्थान पर उसकी जमीन दिखाई गई है। अरुणिमा ने अपने वास्तविक जमीन के हिस्से में मॉल निर्माण होना बताया है। पुलिस ने राजस्व विभाग के खिलाफ फुट रचना और धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। मामले में विवेचना करते हुए पुलिस ने राजस्व विभाग को पत्र भेजकर नामांतरण अवधि 2017 से अब तक उस जमीन संबंधी रिकॉर्ड की मांग की थी, लेकिन रिकॉर्ड नहीं दिया गया। हालांकि इससे पहले श्याम उर्गा सहित अन्य क्षेत्र में जमीन अफरा तफरी के मामले में पटवारियों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। संघ ने राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को भी ज्ञापन सौंपा है। मांग पूरी नहीं होने पर छत्तीसगढ़ राजस्व निरीक्षक व पटवारी संघ ने आगे की रणनीति बैठक में लेने की बात कह रहे हैं। देखिए, हम लोगों का विशेष एक ही मांग है कि पुलिस विभाग द्वारा जो बिना विभागीय जांच के वो पटवारियों के खिलाफ या राजस्व अधिकारी कमजोरों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हो रही है, उसके विरोध में हम लोग आज हड़ताल में हैं। मांग विशेष यह है कि बिना विभागीय जांच के किसी पर एफआईआर न हो, और जो विभागीय जांच में बेगुनाह माने गए हैं या जो निर्दोष माने गए हैं, उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज है वो तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाएं। और जो भी पटवारियों को बार बार पुलिस थानों में या पुलिसों के द्वारा बुलाया जाता है कि अपना रिकॉर्ड लेकर आएँ, रिकॉर्ड दिखाएँ, रिकॉर्ड जमा करें, ये बात ना होकर के जो प्रॉपर लाइन है ना, नकल का जो प्रावधान दिया है संहिता में, उसके हिसाब से वो नकल प्राप्त करें। ये तीन मांग है, इसी के लिए हम लोग इसमें अभी जो है धरना के बीच में ही हमारी बैठक है। जिले के सभी पटवारी आ रही रहेंगे। अब हम लोग इस धरने में बैठ करके निर्णय लेंगे आगे क्या लड़ाई लड़नी है। हम सब ने राजस्व पटवारी संघ और राजस्व निरीक्षक संघ के तत्वाधान में आज हड़ताल धरना प्रदर्शन किए थे, और दोनों के तरफ से आज मुझे इस कार्यवाही करने के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस तारतम्य में आज हम लोग सबसे पहले जिला कार्यालय और अपना एसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपे हैं। हमारी मांगे, हमारी सिर्फ तीन ही मांगे हैं, जिसमें से प्रथम मांगे हैं कि बिना एफआईआर के या बिना विभागीय जांच के एफआईआर जो पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है, उसको तत्काल बंद किया जाए, विभाग से हमारा जाँच करा जाए, उसके पास यदि दोषी पाए जाने पर ही विभागीय कार्रवाई किया जाए। दूसरी है रिकॉर्ड जो उनके द्वारा मांगा जाता है, वो नियमानुसार भैया सॉफ्टवेयर के माध्यम से लिया जावे। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बठेना में एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या के मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग को लेकर भाजपा के 19 मंडलों में किया गया सीएम का पुतला दहन। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्वाचन क्षेत्र पाटन के बठेना गांव में अनुसूचित जाति के एक ही परिवार के पांच लोगों की निर्मम हत्या में शीघ्र कार्रवाई व न्याय की मांग को लेकर कोरबा जिले के 19 मंडलों में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। कोरबा विधानसभा के कोसाबाड़ी, बालको, दर्री, बाकी मोंगरा, रामपुर विधानसभा क्षेत्र के उर्गा, बरपाली, करतला, कुदमुरा और गढ़ुपरोड़ा मंडल में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता प्रदर्शन कर सीएम का पुतला फूंका। विरोध प्रदर्शन में सभी मंडल के अध्यक्ष सहित कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जो विधानसभा क्षेत्र जहाँ से चुनाव लड़ते हैं पाटन में, वहाँ पर बठेना गांव में जो अनुसूचित जाति के पांच लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई है, जिसमें उचित कार्रवाई न करके भूपेश सरकार, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है नींद कुंभकर्णी नींद सो रही है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। उसी तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी के आह्वान के पर आज ट्रांसपोर्ट नगर चौक में कोरबा नगर मंडल के द्वारा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हम सभी कार्यकर्तागण सम्मिलित हुए। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो गई है, उसके संबंध में हमारे पाटन विधानसभा क्षेत्र के बठेना में
अनुसूचित जाति जाति के पांच लोगों की जो निर्मम हत्या कर दी गई है उसके विरोध में पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक मंडल में विरोध प्रदर्शन कर रही है और हम भारतीय जनता पार्टी मांग करते हैं कि उनके हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और बिगड़ती कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर संसद तक के उग्र आंदोलन करेगी। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए धनंजय के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दो साल से नहीं हुई नियुक्ति, चार पद रिक्त, न्यायाधीशों की कमी व रिक्त पदों पर भर्ती का सवाल उठाया सांसद ने। छत्तीसगढ़ के न्यायालयों में 94 पद अभी भी रिक्त। कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना चरणदास महत ने विधि और न्याय मंत्रालय न्याय विभाग के विषयों पर चर्चा करते हुए विधि और न्याय मंत्री से देश के न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी व इसके रिक्त पदों के संबंध में आंकलन व राज्यवार ब्यौरा की जानकारी चाही। तारांकित प्रश्न के माध्यम से सांसद ने यह भी जानना चाहा कि क्या विगत 3 वर्षों के दौरान रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आरंभ हो गई है और क्या छत्तीसगढ़ में ऐसे रिक्त पदों की संख्या के संबंध में कोई आंकलन किया गया है। सांसद के प्रश्न के जवाब में विधि और न्याय, संचार व इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिक मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जानकारी दी कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रस्ताव प्रारंभ करना भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को निहित होता है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के लिए संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में यह निहित है। विधि एवं न्याय मंत्री ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ राज्य में 28 फरवरी 2021 को अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद संख्या 481 के विरुद्ध कार्यरत पद संख्या 387 व रिक्तियां 94 पदों पर हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में कुल स्वीकृत पद 22 हैं, जिनमें से 14 कार्यरत व रिक्त पद 8 हैं। 2018 में 4 पदों पर भर्ती की गई, जबकि 2019 व 2020 में नियुक्ति नहीं हुई है। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। एसएसएल के दीपका खदान के भीतर नजर आए तेंदुए के शावक, दहशत में एसएसएल कर्मी। वन विभाग की टीम ने पंजे के निशान देख कर की तेंदुए के होने की पुष्टि। कोरबा में एक बार फिर दीपका क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी से लोग दहशत जदा हैं। पिछले दिनों तेंदुए ने एक ग्रामीण को घायल कर दिया था, उसके बाद वन विभाग की टीम तेंदुए का रेस्क्यू नहीं कर सकी। इधर दीपका खदान के भीतर तेंदुए के 2 शावकों के होने की जानकारी वन विभाग को दी गई है। बताया जा रहा है बीती रात दीपका एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में डंफर वर्कशॉप के भीतर सीआईएसएफ के जवान जब भोजन कर रहे थे तब तेंदुए के 2 शावक नजर आए। जवानों ने अपनी गुमटी बंद करके अधिकारियों को इसकी सूचना देने के साथ वन विभाग को जानकारी दी। कटघोरा वन मंडल की टीम ने खदान पहुंचकर निरीक्षण किया तो तेंदुए के पंजे के निशान देखकर तेंदुए की मौजूदगी की पुष्टि की है। इधर वन विभाग की टीम निगरानी कर रही है, साथ ही एसीसीएल कर्मी और सीआईएसएफ सुरक्षा बल को सावधानी के साथ ड्यूटी करने की सलाह दी है। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए दीपका से राजेश साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 8770623544। आवश्यक सूचना। सभी सम्माननीय केबल कनेक्शन उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि जिन उपभोक्ताओं का नया NXT STB बॉक्स MPEG-4 का पेमेंट नहीं हुआ है वह कृपया कर अपना STB बॉक्स का पेमेंट ₹500 जल्द जमा करने का कष्ट करें। धन्यवाद। फिल्म सैटेलाइट केबल टीवी घंटाघर कोरबा।
सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रामा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियाबाद जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार, इसके अलावा ओपीडी 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, आईसीयू, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, ओटीटी, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता, सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं, कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लिंचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज, फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15-25% की छूट। क्लिनिक का पता, सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। MXT is the new MPEG 4-box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4-box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट, नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818184018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4-box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4-box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट, नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। संपर्क करें फिम सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। वन कर्मियों के पेट्रोलिंग पार्टी की गाड़ी के सामने आ धमका हाथियों का दल, बाल बाल बची वन कर्मियों की जान। ग्रामीणों को आगाह करने देर रात वन कर्मियों की टीम जा रही थी गांव। कोरबा के कटघोरा वन मंडल में हाथियों का उत्पात जारी है। बोका में बीती रात 6 हाथियों का दल बस्ती में घुसने की सूचना मिलने पर ग्रामीणों को सतर्क करने जा रहे वन कर्मियों का खुद ही हाथियों के झुंड से सामना हो गया। करीब आधे घंटे तक वन कर्मी सायरन बजाकर हाथियों को भगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हाथियों का झुंड टस से मस नहीं हुआ। वन कर्मियों को हाथी दौड़ाने लगे, वन कर्मियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है 20 हाथियों का झुंड 3 अलग अलग दल में विचरण कर रहे हैं। एतमानगर रेंज के रेंजर शहादत खान अपनी टीम के साथ मड़ई से बुका मुख्य मार्ग की ओर जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में मेन रोड पर हाथियों का झुंड खड़ा हो गया। वन विभाग ने आसपास के गांव में मुनादी कर हाथियों के आने की सूचना दी, ताकि कोई जनधन की हानि न हो। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।
कोरबा में छत्तीसगढ़ विश्व संवाद केंद्र द्वारा आयोजित नई दिल्ली से प्रकाशित साप्ताहिक पांच जन्य के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जन्मभूमि राष्ट्र मंदिर अंक का विमोचन कार्यक्रम कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर के टैगोर उद्यान स्थित भवन में किया गया। एनटीपीसी के पूर्व उप महाप्रबंधक माणिक विश्वकर्मा नौरंग, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जिला संपर्क प्रमुख अधिवक्ता अशोक तिवारी ने साप्ताहिक पांच जन्य के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जन्मभूमि राष्ट्र मंदिर अंक का विमोचन किया। इस अवसर पर कोरबा के वरिष्ठ स्वयंसेवक अनाराम जी देवांगन का सम्मान किया गया। अनाराम विगत 30 वर्षों से भी अधिक समय से नगर में पांच जन्य को पाठकों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम में विभाग कुटुंब प्रबोधन प्रमुख चंद्रकिशोर श्रीवास्तव, जिला संघ चालक किशोर बुटोलिया, नगर संघ चालक डॉक्टर विशाल उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार गेंदलाल शुक्ला, कमलेश यादव, रामविलास पाल, कैलाश नाहक, आशुतोष महंत, योगेश जैन, नवीन पटेल, मनोज मिश्रा एवं समाज के वरिष्ठ नागरिकों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम आयोजन में राजनारायण गुप्ता, आदित्य सिंह, विष्णु मिश्रा, उबारी लाल, मणि साहू, उत्तम पाठक आदि का सहयोग रहा। मंच संचालन अम्बरीश प्रधान और आभार जिला प्रचार प्रमुख तरुण मिश्रा ने किया। लिए एक ऐतिहासिक, एक राष्ट्रीय विचार को प्रवाहमान बनाए रखते हुए, अनेक प्रकार की झंझावातों को सहते हुए, जो एक राष्ट्र नींव के पत्थर बनकर जिन्होंने एक पत्रिका पांचजन्य उसको अभी तक प्रवाहमान बनाए रखा, और आज भगवान राम के मंदिर का जो एक निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है, राम मंदिर बन जाएगा, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर कैसे बने, जो राम राज्य की कल्पना सभी काल में आया है, सभी राजा महाराजा एक आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं तो राम राज्य ही बताया जाता है। तो राम मंदिर, एक राष्ट्र मंदिर का निर्माण होगा और इस देश में फिर से वही राम राज्य की स्थापना होगी, जहां पर हर प्रकार की शांति होगी, ऐसा एक मार्ग प्रशस्त करने वाली ये पत्रिका आज राष्ट्र मंदिर के नाम से एक जो विशेषांक निकाल रहा है उसका आज विमोचन का कार्यक्रम है। इसमें ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने जैसे अक्षर को, शब्द को एक ब्रह्म का रूप माना गया है, और भगवान कृष्ण ने गीता में जो कर्मयोग की व्याख्या की है, ऐसे ही कर्मयोगी लोग इस पत्रिका को अनेक प्रकार के झंझावातों को सहते हुए अभी तक प्राणवान बनाए रखते हुए और आज इस स्थान पर पहुंचे हैं कि राम मंदिर के निर्माण से राष्ट्र मंदिर का निर्माण होना है, इसके लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए आज के अनेक ऐसे इतिहासकार, पुरातत्वविद और अनेक ऐसे जो लेखक हैं उनके विचार के माध्यम से और एक ये विशेषांक का विमोचन हो रहा है, और हम सबके लिए एक बहुत ही अत्यंत हर्ष का की बात है कि इस विमोचन को, इस पत्रिका को विमोचन करने के बाद अपने परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने एक संदेश पूरे राष्ट्र को दिया था, आज अपने जिले में, अपने इस कोरबा नगरी में जो बड़े बड़े मूर्धन्य ऐसे साहित्यकार हैं उन लोगों के बीच में भी बैठकर सारी बातें हुई और ये इसका विमोचन का कार्यक्रम बना, और आज उस विमोचन के कार्यक्रम में ही हम सब उपस्थित हुए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा के लाइवलीहुड कॉलेज में रोजगार मेला का हुआ आयोजन, 358 पदों पर होगी भर्ती, 3 निजी संस्थान रोजगार मेला में हुए शामिल।
कोरबा में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में रोजगार मेला का आयोजन किया गया। लाइवलीहुड कॉलेज में आयोजित रोजगार मेला में 358 पदों के लिए भर्ती होगी। रोजगार मेला में 3 निजी संस्थानों के नियोजकों की ओर से अपने संस्थानों के विभिन्न खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया की गई। लॉकडाउन से बढ़ी बेरोजगारी की समस्या इस मेले से कुछ हद तक दूर होगी। मेला में बड़ी संख्या में युवा बेरोजगारों ने रोजगार के लिए आवेदन दिया। आज लाइवलीहुड कॉलेज कोरबा में आयोजित रोजगार मेला में 350 पद के विरुद्ध अभी भर्ती की कार्यवाही चल रही है। अभी तक करीब 200 छात्र छात्राएं अभी तक आ चुके हैं और निरंतर ये अभी चल रही है। ये शाम को 4 बजे तक चलेगा। इसमें IFL लेस वेदांता वाले आए हैं, नौ किसान संचय समाज सेवी और अरोमा सेवा संस्था के द्वारा पद के विरुद्ध रिक्तियां हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आओ बनाए सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान, जैसे स्वतंत्र आवास, 1BHK, 2BHK, 3BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 8770623544। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रामा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियाबाद जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता, सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक। स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं, कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लिंचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज, फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15-25% की छूट। क्लिनिक का पता, सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। MXD is the new MPEG 4-box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। MXD MPEG 4-box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट, नॉनस्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बालको केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बालको नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818184018। MXT डिजिटल न्यू MPEG 4-box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4-box में साथ में देखिए लोकल न्यूज,
छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़ें और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिम सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा के डिंगापुर में बने सेंट्रल लाइब्रेरी का उद्घाटन तो हो गया, लेकिन बच्चों को लाइब्रेरी शुरू नहीं होने से नहीं मिल रहा लाभ। स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को लाइब्रेरी सुविधा देने के उद्देश्य से लाखों की लागत से डिंगापुर में बने सेंट्रल लाइब्रेरी का उद्घाटन तो पिछले दिनों मंत्री द्वारा किया गया, लेकिन अब तक लाइब्रेरी शुरू नहीं हो सका, जिससे पुस्तक प्रेमी लाइब्रेरी से बैरंग वापस लौट रहे हैं। लोगों का कहना है कि लाइब्रेरी भवन का निर्माण शहर के बीच होना था, जिससे सभी लोगों को आने जाने में सहूलियत होती। लाइब्रेरी जिस उद्देश्य के साथ बनाया गया है, उस उद्देश्य के तहत जल्द लाइब्रेरी का लाभ लोगों को उपलब्ध कराने की जरूरत है। निगम तो बना दिए, उद्घाटन भी कर दिए जल्दबाजी में, और किसी प्रकार की सुविधा तो है नहीं। अब निगम जाने को कब व्यवस्था करके जल्द से जल्द करेंगे, लेकिन ये जल्दबाजी में किए हैं, मतलब दुरुपयोग ही से जो किए हैं। और जिस जगह में भवन बना है वो बहुत गलत जगह में बना है। ये अपना निहारका घंटाघर के पास बनना था, जिसमें बहुत लोगों को लाभ मिल गया। और साथ में अभी तो मालूम नहीं कि अब लाइब्रेरी बना है बल्कि डिंगापुर किस जगह में, कोरबा के आदमी लोगों को इस जगह पर चेंज करके लाइब्रेरी वाला निहारका के पास होना था। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। मीडिया फोर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।